हेलो दोस्तों, आप में से बहुत से लोग 10th पास हो गए। यदि आप 10th पास नौकरी करना चाहते हैं सरकार डिपार्टमेंट में, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो अंत तक देखिए यदि आप जानना चाहते हैं तो इस नौकरी के बारे में। लेकिन आगे देखने से पहले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप प्लीज उस सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा पाए। दोस्तों यहां दबाकर सब्सक्राइब करो आपके चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ को और प्रेस करो इस घंटे को, ताकि आप देख पाए आपकी फेवरेट वीडियो सबसे पहले। नॉलेज टीवी देसी ताऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश, नॉलेज टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी? तो जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर जॉब या जॉब से रिलेटेड जानकारियां लेके आते रहते हैं लगातार। तो आज भी हम लेके आए हैं 10वीं पास के लिए गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन की जानकारी। तो ये है जी, इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। 10वीं पास के लिए नौकरी है, यानी 10वीं पास होना जरूरी है, आगे चाहे कितना भी हो। लेकिन आगे जैसे प्लस टू पास किया, 12 और कुछ किया, ग्रेजुएशन किया, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है? सिर्फ 10वीं बेस की हिसाब से मेरिट बनेगी। तो उम्र क्या होनी चाहिए? 18 से 40 साल एज होनी चाहिए, 18 से 40 साल, ठीक है। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी उसको फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है, ठीक है। पोस्ट की बात करूं अलग अलग से, टोटल पोस्ट 1126 है, 1126 पोस्ट। इसमें ओबीसी के लिए है 284 पोस्ट, एससी के लिए है 126, एसटी के लिए है 91 पोस्ट और अनरिजर्व यानी जर्नल के लिए 625 पोस्ट, ठीक है। क्वालिफिकेशन मैंने बताई थी, 10वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 60 दिन का, ठीक है। वो किसी भी बोर्ड का हो सकता है, हरियाणा बोर्ड या किसी भी बोर्ड जहां से आप स्टेट के हो, कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड, ठीक है। तो रिलेक्शन, यदि आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं किया लेकिन आपके 10th क्लास में या 12th क्लास में आपके पास कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, तो आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें सिलेक्शन केवल मेरिट लिस्ट होगा, ऑटोमेटिक मेरिट लिस्ट बनेगी 10वीं के नंबर के हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो फीस की बात करूं, फीस कितनी है? ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, मेल के लिए, ओबीसी या जर्नल है जो, उनके लिए 100 रुपए फीस है। एससी का बंदा है, एसटी का बंदा है या फिजिकली हैंडीकैप बंदा है, उसकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। आप कोई फीस पे कैसे करनी है, ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, हेड जो पोस्ट ऑफिस आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे आप 100 रुपए की पेमेंट कटा सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अप्लाई करते समय? 10th पास का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एससी बीसी का सर्टिफिकेट, फोटो और साइन। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। अब जब फार्म भरोगे, फार्म कैसे भरा जाएगा? फार्म का सिर्फ ऑनलाइन तरीका है, साइट में आपको बताता हूँ, www.indiapost.government.in, www.indiapost.government.in, ठीक है। इस पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हो। जो नोटिफिकेशन आई है वो तीसरे महीने की 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन आई है, सरकार ने दिया है। लास्ट डेट 1 महीना है इसकी, लास्ट डेट 1 महीना नोटिफिकेशन की डेट से, यानी कि 18/4/2017 तक। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको ऐसी ही वीडियो अगर चाहिए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज टीवी देसी ताऊ। जय हिंद।